मेरी बताई हुई घर की बनी ये क्रीम अपने फेस पर लगा लीजिए। एक बार में आपकी स्किन से सारी काली परत को उतार देगी, दाग धब्बों को दूर कर देगी, पिगमेंटेशन को हटा देगी, पिंपल के मार्क्स को खत्म कर देगी और रिंकल फाइन लाइंस को बिल्कुल रिड्यूस कर देगी। ये आपकी एजिंग को स्लो डाउन कर देगी। महंगे से महंगी क्रीम जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है या महंगे से महंगा फेशियल भी मेरी इस क्रीम के आगे बिल्कुल फेल है और ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ उस वीडियो में 15 डेज का कि आपको ये ऐसा रिजल्ट देगा जो आज तक कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है मेन इंग्रेडिएंट जो है लाल मसूर दाल। गाइस ट्रस्ट मी, ये आपके स्किन के कलर को इतने अच्छे से इन्हांस करता है, आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है। जब आप इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आपकी स्किन से आपके चेहरे से पता नहीं चल पाएगा कि आपकी एग्जैक्ट एज है क्या, क्योंकि ये आपकी एजिंग को डिले करता है, पिगमेंटेशन को हटाता है, आपकी स्किन को यंगर लुकिंग और ग्लोइंग बनाता है। इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है। इसकी सारी जो डस्ट इम्प्योरिटीज थी वो निकल चुकी हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें इस दाल को ऐड कर देंगे और ऊपर से 2 से 3 ग्लास पानी आप इसमें डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आपको इसको गैस पर बहुत अच्छे से बॉईल करना है, कम से कम फुल सेक पर 10 से 15 मिनट के लिए, और इसको अच्छे से आप चलाते रहें जैसे मैं चला के दिखा रही हूँ। उससे क्या होगा, ये दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। उसके बाद हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो आप सेम प्रोसेस प्लीज फॉलो करिएगा। अगर आपको ये लेंथी प्रोसेस लगता है तो आप इसको कम से कम 12 से 13 घंटे के लिए भिगो कर रखें और उसके बाद मिक्सी में डायरेक्टली ग्राइंड कर लें। अब आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, तो बस इसका स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो हमें इसकी बेसिकली क्रीम बनानी है जो आपकी स्किन को बहुत सुंदर कर देगी। महंगी से महंगी क्रीम बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि होता तो वो केमिकल ही है जो 2-3 डेज के लिए आपकी स्किन को अच्छा तो करता है लेकिन वापस से आपकी सारी स्किन का बेड़ा गर्क कर देता है। लेकिन आज की मेरी बताई हुई क्रीम आप सालों साल बल्कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तो चलिए अभी अच्छे से गल चुकी है तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मैश कर दूंगी, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसका स्मूथ पेस्ट बना लें। अब आप देख सकते हैं इसका स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको जार से एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। आप इसको कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में विंटर्स में। समर्स में आप इसको कम बनाइएगा और 1 हफ्ते में इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करना है, बादाम रोगन शिरीन, स्वीट आलमंड ऑयल के नेम से आता है ये। मैंने यहाँ हमदर्द का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। आपको 1 चम्मच इसका इसमें ऐड करना है। बादाम का तेल क्या करता है, आपकी स्किन की सारी पिगमेंटेशन को हटाता है, आपकी स्किन को लाइटन करके ब्राइटन करने का काम करता है। अब हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट रहेगा ग्लिसरीन, ठीक है, वो भी हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या अगर आप इसको समर्स में यूज कर रहे हैं तो आप ग्लिसरीन स्किप कर दें, सिर्फ आलमंड ऑयल दाल और आप इसमें लेमन ऐड कर लीजिएगा। अगर लेमन सूट नहीं करता है तो आप आलू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करता है, आपके जितने भी पिंपल के मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करता है, आपके पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत ज्यादा सुधारता है। तो अगर आपके पास प्लांट वाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल ये जेल जैसा बन गया है, जैसे मार्केट में जेल्स आते हैं ना, बिल्कुल सीरम्स जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, ये बिल्कुल वैसा सीरम बनकर तैयार हो गया है। तो बस आप इसको किसी कांच की डब्बी में स्टोर करके रखें और फ्रिज में रखें, ठीक है। आप जान लेते हैं इसको अप्लाई कितनी बार करना है। आपको इसको रोजाना 1 महीने तक अपने चेहरे पर अप्लाई करते रहना है और विद इन अ वीक आपको आपकी स्किन पर अल्टीमेट रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आपको क्या करना है, इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है फिंगर टिप्स की हेल्प से और 15 मिनट के लिए एज इट इज अपने फेस पर रहने दीजिए। उसके बाद आप सो जाइए, 15 मिनट्स में ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कर जाएगा। लेकिन अगर आपको सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा लगता है कि आप नहीं सो पाएंगे, तो आप 15 से आधे घंटे बाद इसको वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन सोइएगा 15 मिनट्स बाद ही, ताकि आपके पिलो या बेडशीट भी ना लगे बल्कि आपकी स्किन के पोर्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। हो सके अगर आपके अंदर इतनी बॉडी में जान हो, हिम्मत हो, क्योंकि रात को सोने के टाइम हमें बहुत आलस चढ़ता है, तभी आपको मैंने एक ऐसी क्रीम बताई है जिसको बनाने में आपको आलस भी नहीं आएगा, बस फ्रिज से निकालना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि आप एक्टिव हैं, तो अपने फेस पे ना एक हैंकी से स्टीम ले लें,
एक हैंकी को गर्म पानी में डिप करें और अपने फेस पे स्टीम ले लें। उससे क्या होगा, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे और उसके बाद जब आप इस क्रीम को अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके स्किन पर बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट देगी, क्योंकि अच्छे से आपके स्किन की सारी लेयर्स में चली जाएगी और आपकी स्किन को बहुत सुंदर बना देगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरा अकाउंट है 2IIshaMehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम।